दो काम करता है। कभी भी देखना मेरे मन में किस प्रकार के विचार आते हैं। अपने आप को देखो, एक पुराने विचार आते हैं, एक नए आते हैं अभी के। तो पुराने आते तुरंत उसको समझाना चाहिए, ये विचार करना नहीं चाहिए, इससे कोई फायदा नहीं, वो हो गया। उसको बाबा ने ड्रामा शब्द यूज किया। ड्रामा कब कहना चाहिए, तो हो चुका, अभी ड्रामा नहीं करो, कुछ हुआ, ड्रामा में था, हो गया, अब उसको कुछ कर नहीं सकते, तब ड्रामा शब्द यूज करना चाहिए, उसके पहले नहीं। समझ में आया? अभी बुद्धि क्या करती है, बुद्धि आपके पास है, क्या करती है, वो तीन प्रकार से काम करती है। बताओ मुझे, मेरा दो हाथ मेरे ही है, एक ही जैसे है, ये हाथ किसके लिए काम यूज करते हो, ये हाथ किसके लिए यूज करते हो, ज्ञान से नहीं, इससे हाथ से मैं खाता, मेरा हाथ है, मैं खाऊ, हाँ खा सकते हो, अगर मेहमानों के साथ बैठ के इस हाथ से खाना कहेंगे तो क्या कहेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे, देखो इस बच्चे को माँ बाप ने खाना खाना भी नहीं सिखाया, दोषी कौन, माँ बाप, है ना, कि इस हाथ से खाना खाता है, इस हाथ से खाना चाहिए, ये मर्यादा। तो इसलिए आपको पता, बुद्धि आपकी है, लेकिन बुद्धि क्या क्या काम करती है वो जानना चाहिए। किसी को पता है, कोई बताएगा बुद्धि क्या करती है? तीन प्रकार से कार्य करते, बताओ, ज्ञान, विवेक, हाँ, वो क्या करते, निर्णय, हाँ, एक मन में विचार आया, आम को देखते ही बुद्धि कह दी है आम खाने वाला है ना, निर्णय दे दिया है ना, एक दूसरा अनुभव, हाँ बुद्धि अनुभव करती है, देखो बहुत खुशहाल है, हाँ अनुभव करती है, ये आम खट्टा है, ये आम मैंने कल खाया था बहुत मीठा है, दिखाई नहीं देता है, मुंह में पानी आता है, बहुत मीठा आम है, महसूस करता है, मीठा कड़वा दिखाई देता है नहीं, अनुभव करता है, बुद्धि अनुभव करती है। तीसरा चित्र विजुलाइज करता है, हाँ देखो इतना होशियार है, मुझे लगा कि होशियार नहीं है, देखो होशियार है, बुद्धि स्थूल चीजों का, आप कहेंगे तो आम का चित्र आएगा, अगर आपको मीठा, ये आम मीठा है, मीठे का चित्र आएगा, शिव बाबा का चित्र आएगा नहीं, शिव बाबा निराकार है, उसका चित्र नहीं आएगा, आत्मा का चित्र दिखाई देगा नहीं, निराकार आत्मा को न देख सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो, शिव बाबा को देख नहीं सकते हो, शिव बाबा का अनुभव कर सकते हो, मीठा आम खट्टा आम दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है ना, तो बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, बुद्धि नेत्र का, जब आंखें बंद करके रात को सोते हो तो स्वप्न दिखाई देता है, उस तू जो शरीर के द्वारा किए हुए कर्म स्वप्नों में आता है, बुद्धि निर्णय करती है, किसी को देखते ही ये खाने वाला फल या नहीं खाने वाला फल, इनके लिए कैसा सोचना, ऐसा सोचना चाहिए नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बुद्धि निर्णय देती है, बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि स्थूल चीजों का चित्र दिखाती है, सूक्ष्म का नहीं, शिव बाबा का चित्र दिखाई देगा, तब बाबा ने कहा इन आंखों से देख नहीं सकते हो, आत्मा को देख सकते हो नहीं, आत्मा को भी देख नहीं सकते, आत्मा अनुभव होता, मैं शरीर के बीच में, प्रकृति के बीच में बैठा हूं कि चमकता सितारा दिखाई देगा, हाँ यही आप पता होना चाहिए, आत्मा निराकार है, एक शक्ति है ना, तो वो दिखाई नहीं देता, अनुभव होता है, ये तीन बात याद रखनी चाहिए। तीसरा संस्कार, दो प्रकार के संस्कार होते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म, दो प्रकार के सब, मन में कुछ गलत विचार आता है वो कभी भी संस्कार नहीं बनता है, मन में विचार आया, आम को देखा, आपने कहा बहुत अच्छा आम है, कुछ नहीं होगा, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, आम को देखते ही मुंह में पानी आया, अरे आम खाना चाहिए, फील किया, संस्कार बन गया, सूक्ष्म संस्कार, आपने भी इस भाई को देखा, कुछ नहीं हुआ, इनको देखते ही विचार आया, देखो इसने मुझे दो साल पहले कितना गुस्सा किया, इसको भी मैं ऐसा करूंगी, ऐसा ऐसा करूंगा, ये विचार आया, फीलिंग आ गई, महसूस हुआ, संस्कार बन गया, इसको कहते सूक्ष्म संस्कार। आप कहते भाई जी मैंने गुस्सा नहीं किया, लेकिन फीलिंग हो गई, इसने मुझे ऐसा किया था, इसको भी मैं ऐसा करूंगा,
इसका बदला लूंगा, इसको भी कोर्ट में ले जाऊंगा, इसको जेल में डालूंगा। फीलिंग आ गई, आपको देखा आपने, कुछ नहीं होगा। आपको देखने का हाथ में लगने वाला नहीं, बहुत दूर है, देखते ही मुंह में पानी आता, अरे खाना चाहिए। फील किया, सूक्ष्म दाग पड़ गया। सूक्ष्म दाग से सूक्ष्म शरीर बनता है। इस सूक्ष्म शरीर कैसे बना? सूक्ष्म संस्कारों से सूक्ष्म लाइट का शरीर बनता है। और एक है स्थूल, ये शरीर कौन बनाता है? आपने हाथ से आम खाया, कुछ खाया, गुस्सा किया, किसी को मारा, किसी को दुख दिया, इस शरीर के द्वारा जो कर्म किया उसको स्थूल संस्कार कहते हैं। दो प्रकार के संस्कार बनते हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। समझ में आया? हाँ। ये मन क्या करता है? आत्मा का पूरा ज्ञान चाहिए तब योग लगेगा। आत्मा माना क्या? ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार। तो कर्म करते समय आपको पता होना चाहिए कि मैं ये जो कर रहे हो तो संस्कार हो जाएगा। अगर माता जी रोज घर में सब्जी काटती है, सब्जी काटते है क्यों? पति को खाना खिलाना है, बच्चों के लिए खाना बना रहे हो, ये सब्जी बना, सुस्ते सुस्ते बना रही, तो वो सब्जी जो काट रहे उसका रिकॉर्डिंग होगा ना, संस्कार बन गया, ये शरीर छूट गया। तो आत्मा भविष्य जन्म में जाते ही क्या करेगी? वहां भी सब्जी काटेगी। सोचना, इसलिए मैं ज्ञान चाहिए। कर्मों संस्कार से शरीर जीवन बनता है, जैसे संस्कार वैसे संसार। आपके तो मैं सत्युग में लक्ष्मी बनूंगी, अरे यहाँ सब्जी काटते समय पति के लिए कर रहे हो, बच्चों के लिए कर रहे हो, ये सब्जी चिंतन सब्जी का कर रहे हो। जैसे संस्कार वैसा जन्म, वैसा संसार।